नमस्कार, कॉम्पिटिशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट सेशन को, जिसमें कि हम 15 से लेकर 31 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। इसमें डायनेमिक प्लस स्टैटिक दोनों नेचर को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन में वो क्या खास इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। दैट इज अ वर्ल्ड पोलियो डे, दूसरा वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस, और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलुओं को हम गौर करेंगे और साइंटिफिक एंगल से गौर करेंगे ताकि आपकी अप्रोच बेहतर विकसित हो सके, और हम यहाँ पे अनबायस तरीके से इसे कवर करेंगे। आप देखना, इसमें बहुत कुछ आप जान पाएंगे। उसके बाद ओआरएस, ये वही ओआरएस है जो 10 रुपए में या 5 रुपए में मिला करती थी, जिसे हम घोल के पिया करते थे। एक सॉल्वेंट है, बहुत ही शानदार सॉल्वेंट है, इसे एक इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इस ओआरएस को जिन्होंने डिस्कवर किया था रिसेंटली, उनका ऑबिचोरी हम देखेंगे, उनका निधन हो गया था, ठीक है, उनका नाम आपको जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में E20 फ्लेक्स ईंधन, आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह फिल कराते हैं, तो आने वाले समय में पेट्रोल प्लस एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल मिश्रित वाला आपको पेट्रोल डीजल मिला करेगा। तो ये E20 फ्लेक्स ईंधन की क्या भविष्य है ये देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये सब होना है। उसके बाद सूखा पैका नदी, ये वही नदी है जिसे हम महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी नहीं कह रहा हूं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी है जो महानदी की से निकली हुई है, सूखा पैका नदी। क्यों नेशनल लेवल पे इसका जो है ये न्यूज़ पे है, इसे कवर करेंगे। देन आफ्टर देखेंगे इसरो का एक कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डील, या अब तक का सबसे बिगेस्ट डील कह सकते हैं, कि हम दूसरे देश के सैटेलाइट को हम लॉन्च किए हैं और उसके बदले में हमारे इसरो ने एक रेवेन्यू क्रिएशन का एक बहुत बड़ा जरिया जो है हासिल किया है। वैसे तो हम देखते हैं 1992 से इसकी शुरुआत हम कर चुके थे, जिसे 1999 में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, है ना, लेकिन इनिशिएटिव जो है उसके बाद देखते कितना आगे जा चुका है, ये इसरो का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा डील है। उसके बाद देखेंगे गरुण 7, ये एक जो है एक्सरसाइज है जो हमारी कई बार क्या होता है, आर्मी एक्सरसाइज होता है, कई बार नेवी एक्सरसाइज होता है, कई बार एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है, तो ये गरुण 7 को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड पोलियो डे से। तो वर्ल्ड पोलियो डे में देखिए, हमको यहाँ पे समझना है कि वर्ल्ड पोलियो डे में हमको सबसे पहले देखना है कि 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को एवरी ईयर वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैल सके। अवेयरनेस फैलने से लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा उनमें कह सकते हैं ज्यादा जागरूक होते हैं, उनके बीच में वो चीजें पहुंच पाती हैं। अवेयर होने पर, जागरूक होने पर क्या है, उस रोग या उस पर्टिकुलर मिशन के प्रति वो ज्यादा से ज्यादा उन जो है नॉलेज का प्रसार होता है ताकि उसका बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो भारत 2014 से ही भारत में क्या है, पोलियो मुक्त राष्ट्र हो चुका है, तो फुली पोलियो इरेडिकेट ऑलरेडी 2014 से हो चुकी है, लेकिन दुनिया के ऐसे देशों में, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, अभी भी पोलियो एग्जिस्ट करता है। तो क्या आप जानते हैं ये पोलियो किसके कारण होता है, पोलियोमायलिटिस वायरस के कारण होता है, और ये जो है बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पोलियो डे आप देख रहे हैं, है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि जोनस साल्क नाम के उनके जन्म दिवस के अवसर पर एवरी ईयर क्या है, ये वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था इस पोलियो वैक्सीन का, और इनके एक्चुअल में उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, तो उसे जोनस साल्क के नाम से ही इसे जो है समर्पित किया गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं 2022 की क्या थीम है, किस विषय पर था, तो विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद माताओं बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर द मदर एंड द चिल्ड्रन। बस इसमें एक ही चीज काम की है कि 24 अक्टूबर जो है वो डे वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि दुनिया से ही पोलियो को इरेडिकेट किया जा सके, उसका उन्मूलन किया जा सके, और जोनस साल का नाम आप याद रखिएगा। बाकी पोलियो मालेटिस तो पोलियो वायरस भी कहेंगे तो चलेगा। नाउ कम टू दिस पार्ट कि वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, एवरी ईयर हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
तो ये डे याद रखिएगा, खासकर 16 अक्टूबर, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पास्ट ईयर के पेपर्स में आप देखेंगे। तो दूसरी बात कि वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये क्या काम करती है, भूख की समस्या का समाधान करने के लिए लाइक ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करती है ताकि दूसरे कंट्री जो है इसके प्रति अवेयर हो सके, अपनी वास्तविक स्थिति को जान सके। हालांकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें योगदान होता है, ठीक है। खासकर यहाँ पे एक बात समझिए कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप यूपीएससी स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के या किसी भी राज्य स्तर के एग्जाम देंगे, आपके लिए एक सबसे बड़ा तुरुप का इक्का क्या है कि आपको नॉलेज, अगर आपको इधर उधर के कंटेंट का वहां पे मिश्रण करना है आपकी ऐसे राइटिंग, आपके आंसर राइटिंग में, तो एक काम करिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट देता हूं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पढ़ लीजिए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका ट्रिक भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, पहले हमने ट्रिक को कवर भी किया था। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 जो हमारे लक्ष्य है उसमें किसी को भी इन्वॉल्व कर दीजिए आपके आंसर में, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है 17 सतत विकास लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास क्या होता है कि डेवलपमेंट या विकास का वह स्वरूप जिसमें कि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी ना हो, पर्यावरणीय क्षति भी ना हो और विकास भी होता रहे, इस स्वरूप को हम कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके 17 लक्ष्य हैं भाई, ये एग्जाम में पहले पूछा भी गया है और आपको ये ऐसे राइटिंग या किसी भी आंसर राइटिंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि घूम फिर के उसको इसमें इन्वॉल्व कर लो और उसके बारे में फिर एक्सप्लेनेशन लिखते रहिए, तो आपका वैल्यू, आंसर का वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। इसका जो थीम था उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे ना छोड़े। और इस रिपोर्ट के बारे में, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी मैं जाऊंगा, लेकिन 17 सतत विकास लक्ष्य का जो है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला था वो ये नोट कर लीजिए ताकि आपको काम आएगा, ठीक है। ठीक है, ये वहां पे हम देखते हैं ये वाला, ठीक, उसके बाद हम उस पार्ट पे जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। अगर आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखते हैं, देयर आर 17 गोल, 17 गोल है और 169 टारगेट है, ठीक है, 169 टारगेट है। तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है, यहां पे इस ट्रिक के बेस पे हम जान सकते हैं, आई होप वी कैन। तो 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ऑलरेडी हमने पास्ट में डिस्कस कर रखा है, तो केवल इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ आ रहा है तो फिर से हम देखते हैं कि आई होप वी कैन। तो ये जो हाईलाइटेड टर्म्स है ना, ये हाईलाइटेड जो जितने भी अल्फाबेट दिख रहे हैं वो अपने आप में एक एक गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि पी, गोल नंबर 1, पावर्टी, पावर्टी को इरेडिकेट करना है, पावर्टी, गरीबी को उन्मूलन करना विश्व से, तो ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, तो यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए किसी देश की या किसी राष्ट्र के क्या है, ऐसी योजनाओं को, योजनाओं में उनको स्थान दिया जाता है ताकि गरीबी उन्मूलन के प्रति जो उस राष्ट्र की सरकार है वो क्या करती है। वैसे ही आप देखते बहुत सारे पॉइंट हैं, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, हंगर, इनइक्वालिटी, इनोवेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो आई होप वी कैन से याद रख सकते हैं, देयर आर 232 इंडिकेटर। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे नोट कर लें, क्या है, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स और 232 क्या है, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक। चलिए अब मैं वापस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर लेकर चलता हूं, और इस फूड वाले इस इमेज में भी बहुत कुछ आंसर छुपा है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थान को बहुत ही पीछे रखा गया है, और इसको बहुत ही बड़े लेवल पे क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भारत की स्थिति ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, और उसके जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, चाहे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो या पास के गवर्नमेंट हो, भारत जो है इस बात को लेकर, भारत के बारे में एक एक तथ्य तो बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत में भले खाद्यान्न सरप्लस है लेकिन इसका जो वितरण है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, वो सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे केवल खाने को लेकर, चीज को लेकर कहीं बात नहीं कही गई है, हम खाते तो हैं, हमको फूड की अवेलेबिलिटी से मतलब नहीं है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या उस वीकर सेक्शन या उस लाभार्थी या उस कमजोर वर्ग तक क्या खाना पहुंच पा रहा है, पहला पॉइंट, केवल खाना काफी नहीं है, उसके बाद क्या न्यूट्रिशन पहुंच पा रहा है क्या। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एंगल है, अभी हम समझेंगे उसे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसे।
तो यहां पे बात समझिए कि वैश्विक लेवल पर भुखमरी के खिलाफ, यानी कि भुखमरी के खिलाफ काफी हद तक भारत में स्थिति स्थिर तो हो गई थी, लेकिन 2022 में इसका स्कोर 18.2 का एक ग्लोबल स्कोर हुआ, जो क्या है 2014 के 19.1 की तुलना में थोड़ा सुधार दर्शाता है। मतलब थोड़ा सुधार 2014 की तुलना में, मतलब 19.1 से लेके 18.2 तक तो गया है। ये ग्लोबल स्कोर था जो 2014 के 19.1 की तुलना में थोड़ा सुधार दर्शाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम देखते हैं कि हमने आउट ऑफ 121 कंट्री में 107 परफॉर्मेंस दिया है, मतलब 107 रैंक है। 121 देशों में भारत का अगर देखा जाए स्थान, वो 107वें नंबर पर है। यहां भुखमरी केवल एंगल नहीं है, यहां पे अल्प पोषण, कुपोषण और भुखमरी तीनों स्थितियों को यहां पे देखा गया है। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है ना, मतलब न्यूट्रिशन की कमी और माल न्यूट्रिशन, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी भुखमरी की स्थिति आ जाती है या खाद्यान्न नहीं मिल पाता। ठीक है, आप इसके बहुत सारे एंगल या तर्क देंगे, लेकिन सबका आंसर मैं करूंगा, अभी थोड़ा देखिए सुनिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमको जो है यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि ये जो अगर रिपोर्ट को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो भारत की प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट के मामले में। क्यों? क्योंकि अभी इस रिपोर्ट में बहुत कुछ स्टोरी कही गई है। देखिए कि हमारा स्कोर जो है 107 हो गया है, 107 हो गया है और इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनिएगा। मैं अगर सबसे पहले कहूं किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को कहा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व। लेकिन क्या इतने ही काफी हैं क्या? नो, इसके अलावा हमको पता है विटामिन की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, विटामिन की जरूरत पड़ती है। देखिए विटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चयापचय जो उपापचय एक्टिविटी को करने के लिए जो है आपके विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको पता है मिनरल्स यानी खनिज, ठीक है, इसके अलावा वाटर, ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक अम्ल, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब एक बात समझिए, केवल हमने 3 को हासिल किया। अभी जैसे भारत सरकार क्या करती है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री में दिया जा रहा है, बार बार आप ये कहते रहती है स्टेटमेंट, वो तो 2013 से हो रहा है। पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, उसका नाम बाद में सरकार बदल दिया और 80 करोड़ लोगों को ये क्या फूड प्रोवाइड कर रही है। नाउ एक्सेप्ट इट कि 80 करोड़ लोगों को तो खाना पहुंच रहा है, जो न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है, आई मीन अनाज पहुंच रहा है, लेकिन अनाज पहुंचना काफी नहीं है। अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत, अगर गेहूं वगैरह ले लिए तो प्रोटीन बहुत थोड़ा हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पहुंच रहा है, लेकिन कितनी सारी चीजें चाहिए एक व्यक्ति को या एक बंदे को। आपको यहां पे समझना होगा कि हर व्यक्ति को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए, जिसमें विटामिन ए बी सी डी ई के, ऐसे विटामिन चाहिए। और विटामिन सी तो बॉडी में स्टोर ही नहीं होता, आप अभी विटामिन सी खाए उसको यूटिलाइज हो गया, कंज्यूम हो गया, दैट्स इट, वो कहीं स्टोर होके रह नहीं सकता। विटामिन डी को एवरीडे हम लेते हैं, चलो ठीक है, बहुत सारे आप सनलाइट से भी ले रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली मामला ये है कि ये क्या सभी चीजें किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ली जा रही है 130 करोड़ के भारतीयों में। देखिए तो अगर इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे तो भारत की प्रगति सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये सच्चाई है। चलो 100% सच्चाई नहीं भी मानो, लेकिन ये मान के चलिए कि भारत की स्थिति कमजोर है। चलो 107 रैंक से चलो थोड़ा और रैंक बेहतर कर दो, क्या होगा, हासिल क्या होगा, हम अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे, बस यही होगा। लेकिन यहां पे हम किसी रिपोर्ट के क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना है भाई, हमको यहां पे ये समझना है कि क्या किसी लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं, जो 7 न्यूट्रिएंट को हम ले रहे हैं उसमें तो इवन 10 लिया जाता है, मैं तो 7 को यहां कंसीडर कर रहा हूं, जो 7 न्यूट्रिएंट है क्या 130 करोड़ भारतीयों के पास जा पाता है? 80 करोड़ तक हम अनाज पहुंचाते हैं तो क्या पहुंचाते हैं, चावल या गेहूं, उसमें हम दाल तो नहीं पहुंचा रहे, उसमें हम ऑयल तो नहीं पहुंचा रहे, अगर हम पहुंचाते हैं तो भी क्या है वो फ्रूट से हम पीछे हो जाते हैं। हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस दाल नहीं पहुंचा पाते, ठीक है, जो अब जो एग होता है, फिश होता है, चिकन होता है या मीट कोई खाते हैं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शन है कि वो सोयाबीन या दाल वगैरह पे डिपेंड रहे,
मिल्क वगैरह, मिल्क से प्रोटीन थोड़े मिलता है, मिल्क का प्रोटीन तो हमारे बॉडी में डाइजेशन ही नहीं हो पाता। मिल्क से आपको कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिएंट मिलता है फैट वगैरह, क्योंकि केसीन प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, जब बच्चे होते हैं, जब स्तनपान कर रहे होते हैं, उनमें ही केवल केसीन प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है। बातों को समझा करिए थोड़ा सा, यहाँ पे इसका हम एंगल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक मान लो एक पर डे का थाली होता है, जिसमें कि आपका राइस, रोटी, दो तीन प्रकार की सब्जियां, सैलड, और उसमें क्या है, कर्ड, दही वगैरह, दाल वगैरह सब चीजें होती। आपको क्या है, आपको क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, है ना। अगर प्रोटीन के सोर्सेस में देखेंगे तो एग, फिश वगैरह लेते हैं, कोई अगर वेजिटेरियन है तो वो जो है आपके पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह से उसका पूर्ति करते, है ना। बहुत सारे ऐसे क्या है, फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट्स का हमको इंटेक भी लेना पड़ेगा। तो हमको एक बात समझना है कि पर डे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। 1 किलो के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अब सुनिए स्टोरी, भारत में 37 ग्राम एवरेज प्रोटीन का कंजम्पशन है। आप समझ में आई कि यहां पे एक व्यक्ति से, हम में से मान लो कोई 60 kg है, कोई 70 kg है, कोई 80 kg है। अगर 70 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे, 70 है तो 70 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, 80 है तो 80 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, लेकिन है कितना एवरेज, 37। आप स्टोरी समझ में आई, क्या है हमारा कुपोषण की स्थिति, क्या समझ में आया। दूसरी बात कि हम, चलो हम अनाज की आपूर्ति तो पूरा कर दे रहे, अनाज की आपूर्ति 80 करोड़ लोग, यानी कि मोटा मोटा कहा जाएगा 67% लोगों को दे दिया जा रहा है, लेकिन क्या दिया जा रहा है, राइस और व्हीट, उसमें है क्या, उसमें है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा प्रोटीन है, है ना। और इसमें यह भी बात ध्यान रखिए कि हम यहां पे दूसरे विटामिन की बात ही नहीं कर रहे, दूसरे विटामिन का सप्लाई तो हो ही नहीं पा रहा है। तो आप सोच के देखिए, उन क्षेत्रों में, बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में, है ना, आपके ओडिशा के सुदूर क्षेत्रों में जो पिछड़ा क्षेत्र है, आपके मध्य प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट में, है ना, या फिर दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहां पे वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर है, वास्तव में स्थिति गंभीर है, है ना, जहां पे क्या है वहां तक उनकी टोपोग्राफी या उनके कल्चर या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, मैंने 2-3 एग्जाम्पल बस दिया, वहां तक क्या इन सब चीज की आपूर्ति हो पा रही है, क्या इतनी सारी चीजें मिल पा रहे हैं क्या, नो बिल्कुल नहीं। तो भारत की कुपोषण या अल्प पोषण या भुखमरी, केवल अगर खाना मिल जाता तो चलो भुखमरी से निजात पाते, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल जाता फिर भी अल्प पोषण है, और कुपोषण मतलब पूरा माल न्यूट्रिशन का केस आएगा ना। तो ध्यान रखना कि हमको एक बात याद रखनी, एक फैक्ट याद रखनी है, आपके शरीर में, आपके शरीर में देखो एवरीडे हर व्यक्ति को कितना चाहिए होता, पर डे कितना चाहिए, 2000 किलो कैलोरी चाहिए कंजम्पशन के लिए। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी की बात आप सुनिएगा कि एनर्जी में 1/3 आपको अनाज से प्राप्त करनी है एनर्जी, ठीक है, सीरियल से, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे दूसरे अनाज हो, बाकी 2/3 जो है आपको वेजिटेबल से, फ्रूट से, ठीक है, आपके पल्सेस यानी दालों से, आपके क्या है आप लाइक अदर सोर्सेस से, ये सब आपको इससे प्राप्त करनी है। तो 1/3 की पूर्ति केवल हो पा रही, भाई 2/3 की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्यों पीछे नहीं होगा भारत। केवल योजनाएं बना लेने से सही नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या वो अंतिम बिंदु तक उसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है क्या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमको इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम उस गलतियों पर काम कर सकें। केवल योजनाएं बनाने से वो काम काफी नहीं होता भाई, उसे धरातल में उतारना भी पड़ता है, ठीक है। इसके बहुत सारे एंगल हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसमें आप लाइक कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता चाहिए, इसमें आप लाइक सरकार की क्या है एक संकल्प जो होती है उसके प्रति कमिटमेंट होता है वो होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एंगल है, ठीक है। तो एक बात और कि याद रखना कि मध्यान्ह भोजन, मिड डे मील, भारत सरकार के, मैं किसी राज्य, किसी सरकार विशेष पर नहीं जा रहा हूं, मिड डे मील या मध्यान्ह भोजन भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, क्योंकि जब इसे लाया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय में, तो भारत में प्राइमरी एजुकेशन को की जो है जो कह सकते हैं जो ड्रॉप आउट होते थे उनके नंबर्स में कमी देखी गई थी, और बहुत ही ड्रेस्टिकली चेंजेस हुआ था, जिसके कारण प्राथमिक एजुकेशन के प्रति बच्चे क्या अब वहां पे स्थिर रहने लगे और उनका नंबर बढ़ने ही लगा,
और जिसके कारण आज हम जो लिटरेसी रेट प्राप्त करते हैं ना, उसका वो ओरिजिन है कि चलो भारत में साक्षरता दर की शुरुआत, भाई जब प्राइमरी ही नहीं पढ़ेगा तो मिडिल और हाई स्कूल कैसे पढ़ेगा। तो प्राइमरी एजुकेशन के जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, मिड डे मील जो बेसिकली न्यूट्रिशन में आजकल ये कहा जाता है कि उसमें प्रोटीन दिया जाना चाहिए, उसमें फैट दिया चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, उसमें सभी टाइप के न्यूट्रिशन देनी चाहिए। कम से कम आप इसमें अगर डेटा एग्जैक्ट डेटा कहेंगे तो कम से कम 17 से 20 ग्राम जो है दोपहर के खाने में प्रोटीन देना कंपलसरी है, किसमें, आपके मिड डे मील में, लेकिन नहीं दिया जाता। तो भी उसके बहुत सारे एंगल है, करप्शन एंगल है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे एंगल है, खैर उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन 20 ग्राम, उसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए, उसमें दाल कंपलसरी होना चाहिए, इससे बहुत सारी बातें। तो इस रिपोर्ट को एक ही तरीके से फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंटरनेशनल रिपोर्ट में जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही डेटा रेलेवेंट है, तो उस डेटा को हमको पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात मैंने बताया कि हमारे बॉडी में केवल खाद्यान्न की पूर्ति होना काफी नहीं है, बल्कि हमारे पास तीन प्राइमरी न्यूट्रेंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना कंपलसरी है। साथ ही साथ सहायक पोषक तत्व यानी एसेसरी जो न्यूट्रेंट है, जिसमें कि विटामिन ए बी सी डी ई के आदि होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास मिनरल्स, खनिज वगैरह जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बॉडी में क्या है, वाटर का सफिशियंट अमाउंट होना चाहिए। देन अब जो 60 से 65% हमारे बॉडी का पानी ही है, ठीक है। इसके अलावा हमको पता है कि न्यूक्लिक एसिड भी होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्या है कॉन्टेंट भी होना चाहिए जिसमें कि फैट की आपूर्ति हो सके। इसमें हमको ये सभी एंगल को हमको देखना होता है। आई होप ये बातें अब समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो एवरीडे याद रखना, जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम पर डे प्रोटीन इंटेक जरूर लिया करिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है बेसिकली वो एनर्जी के लिए बने हैं, लेकिन कभी भी आपके बॉडी में प्रोटीन को टूटने नहीं देना है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डर ऑफ योर बॉडी है, आपके शरीर का निर्माता है। तीसरी बात कि आपके आपको ये भी याद रखना है कि जब जब हमारे पास आता है कि लाइक प्रोटीन की बात आती है, तो प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहा जा रहा है, तो आपकी बोन्स वगैरह या मसल्स वगैरह वो तेजी से फिर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बच्चों में तो खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ORS, ये ORS आप देखते हैं ये वही घोल है, ठीक है। WHO का ये फॉर्मूला, बेस्ड ऑन WHO फॉर्मूला है, लेकिन पेटेंट किन के नाम पर है, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर दिलीप महालनोबिस डॉक्टर साहब के नाम पे है। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया, ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ये इतनी बड़ी इन्वेंशन है कि WHO एवरी ईयर इनको अप्रिशिएट करता है, और ये कहता है कि करोड़ों लोगों के हेल्थ की रक्षा करने में ये डॉक्टर दिलीप महालनोबिस साहब का जो डिस्कवरी था, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS उपचार का जो है, इसका एक बहुत ही बड़े लेवल पे इसका फायदा लिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही सस्ती है, इसे नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, एक ग्लास लीजिए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा शक्कर डालिए, घोल लीजिए, पी लीजिए, यही ORS का कंसेप्ट है। ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है, विलायक है, बहुत अच्छा विलायक है, जो आपको कभी भी क्या है, ये देखो इसका ORS का फॉर्मूला क्या होता है, पानी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं है तो आप शुगर ले लो थोड़ा सा, और नमक थोड़ा ले लो, जितना शुगर उतना नमक, ठीक। इसमें आपको ध्यान रखना 60 मिलियन से अधिक लोगों को जीवन को बचाने के लिए इसे प्रयोग किया गया है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे कि भारत में E20 फ्लेक्स ईंधन की क्या उपयोगिता है। गडकरी साहब जो है अपने इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अच्छी बातें आपको समझनी है कि अगर हम पेट्रोल या डीजल का एमिशन करते हैं, मतलब उसको बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो उसके साइलेंसर से क्या निकलती है, पॉल्यूटेंट निकलती है। तो पहले इसमें होता क्या था, इसमें हम देखते थे लेड मिलाते थे, क्या मिलाते थे, लेड, लेड यानी सीसा। तो आपके पेट्रोल पंप में लिखा होता था लीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल। जो लेड जब पब्लिक, ये क्या है, वो आपके साइलेंसर से बाहर निकलेगा, एटमोस्फियर में आएगा, कम से कम 10 से 12 साल तक ये वहां पे स्टेबल होता है एटमोस्फियर में, और ये एक पॉल्यूटेंट है, और एक खतरनाक पॉल्यूटेंट है, एक खतरनाक प्रदूषक है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि इसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है, लैड को, यूसेज को बैन कर दिया गया, इसलिए पेट्रोल पंप में आपको लीडेड पेट्रोल अब नहीं दिखेगा। तो अब क्या करें, पेट्रोल में अगर हम पेट्रोल प्लस यहां पे इसमें अल्कोहल मिला दें, पेट्रोल में अल्कोहल मिला दें, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, एल्कोहल कौन सा, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल मिला दें,
एथेनॉल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल को दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी फ्रूट का अगर हम देखो, ये वही एथेनॉल है जो ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है, मतलब ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, लेकिन मैथिल एल्कोहल टॉक्सिक होता है, उसे यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जो एल्कोहल होता है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना कि किसी भी जैसे ग्रेप्स या अंगूर, अंगूर के रस से भी हम क्या है एथिल एल्कोहल बना सकते हैं, या गन्ने के रस से भी बना सकते हैं, और दूसरा गन्ने के खोई से भी हम बना सकते हैं, मतलब उसके स्टेम पार्ट से भी हम उसे बना सकते हैं। जब भी अल्कोहल बनाया जाएगा, रस से हम थोड़ा जल्दी बनाएंगे उसके, आप लाइक कह सकते हैं, मतलब सीधा सीधा ये कहेंगे कि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, अवायवी श्वसन करना होता है, अनाक्सी श्वसन करना होता है, जिसमें कि क्या है आपका ये ग्लूकोज जो होता है या कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये सीधा कन्वर्ट होता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में। ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम 20% तक क्या है पेट्रोल 80% होगा, 20% एल्कोहल होगा, और हैरानी वाली बात क्या है 50% एल्कोहल 50% पेट्रोल से भी गाड़ी चल सकती है। इवन ये भी कह दें कि ज्यादा परसेंटेज अगर एल्कोहल का होगा, कम परसेंटेज भी पेट्रोल का होगा, तो भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन वैसे इंजन बने होने चाहिए। और यहाँ पे सिंगापुर और दूसरी कंट्री में अभी ये देखा जा रहा है कि ये एल्कोहल का परसेंटेज जो है बढ़ाया जा रहा है, भारत में 20-25% तक है, जिसमें E20 वाले इंजन बनाने की बात की जा रही है, और आने वाले समय में आप सब अपनी गाड़ियों को उसी में अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, इससे हमको भी फायदा है, भारत सरकार को भी फायदा है, क्योंकि ज्यादा हम पेट्रोल को इम्पोर्ट कर रहे थे वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, एथेनॉल तो हम बनते हैं, हमारे यहाँ बनता है, ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में बनता है, छत्तीसगढ़ इसके लिए, छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, क्योंकि भारत में क्या, छत्तीसगढ़ में क्या है, धान सरप्लस होता है, और धान को हम सड़ा के हम उसे एथेनॉल बना सकते हैं। तो धान हो गया, बार्ले हो गया, गेहूं हो गया, जो आप देख रहे हैं ना, ये गन्ना हो गया, आपके अंगूर का रस हो गया, ये सभी से एथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन भारत छत्तीसगढ़ सरकार के पास जो है सोर्स है कि बहुत सारा धान के क्रॉप को एथेनॉल में कन्वर्ट कर दे, इसलिए एथेनॉल नीति भी लाई गई है, भारत सरकार के अप्रूवल का वेट कर रही है, जैसे होगा यहाँ पे प्लांट लगेगा उसके बाद क्या है चालू हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे प्रस्तावित है एथेनॉल पावर प्लांट। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा इसका रोल होने वाला है। ठीक है, वर्ष 2025 तक पेट्रोल को E20 मिश्रण सुनिश्चित करने की किया जाना है, और देश को प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का एक फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व की हमको बचत होगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पहले 2030 रखा गया था, है ना, उसे 5 वर्ष कम करके 2025 रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% एथेनॉल मिलाना है, 80% पेट्रोल मिलाना है। ठीक, अब वो उसे 2030 तक हमको हासिल करना था, उसे 2025 में ही हमको अब टारगेट को पहले प्रीपॉन्ड कर दिया गया है, अब उसे 2025 में हम हासिल करेंगे। क्लियर हो गया आप सभी को? तो बाकी ये सब चीजें हैं कि अब लाइक आने वाले समय में ऐसी गाड़ियां आएंगी, है ना, जिसमें कि हम देखेंगे ये E20 वाले, यानी कि 20% एथेनॉल मिलाए जाने वाले ऐसे इंजन रहेंगे। अभी देखते हैं E10 वाले मिल जाते हैं, अभी आप जो गाड़ी आप यूज करते हो ना, इस पर 10% एल्कोहल का ऑलरेडी उसमें पेट्रोल आपकी गाड़ियों में डलता है। ठीक है, और अभी आने वाले समय में E20 वाला जो है उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ गाड़ियां ऐसी भी दिख जाएंगी जो हो सकता है कि E20 वाले भी हो। चलिए आगे देखते हैं सुकापैका नदी। ये सुकापैका नदी जो है महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पे है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक निर्देश दिया है। ये बेसिकली एनवायरनमेंट सेक्टर पे काम करने वाली क्या है, एक प्राधिकरण है, एक कह सकते हैं ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट जैसा ही होता है, कोर्ट ही ये कह सकते हो, जिनके आदेश को मानना राज्य सरकार केंद्र सरकार को मान्य होता है ना, उसको मानना ही पड़ता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि सुकापैका पुनरुद्धार योजना ओडिशा सरकार के द्वारा उसे स्टार्ट किया जाना है, जिसका निर्देश ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है, NGT के द्वारा किया गया है। इसे हम क्यों कवर कर रहे हैं? पहला तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, दूसरा हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक, और ये 70 साल पहले सूख गई थी, उसके पुनरुद्धार के लिए सब कही गई है। तो सुकापैका नदी के बारे में याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कटक जिले के आयतपुर गांव में महानदी से अलग होती है ना, और उसी जिलों में तारापुर में मुख्य नदी से मिल जाती है, मतलब ऐसे स्टार्ट हुई और वापस से यहाँ पे जाके ये मिल गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर ये कंट्रीब्यूटरी हो गई, मतलब मिल जाएगी वापस से। ठीक, ये सूख गई है, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, बस इतना याद रखना काफी है। आगे बढ़े हम
GSLV Mark III, जिसे हम LVM कहते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट कैसे चलता है, तो इंटरनेट तो बेसिकली वायर से चलता है। आप कहेंगे नहीं, वाईफाई से भी चलता है, हॉटस्पॉट से भी चलता है। यस चलता है, लेकिन उस वाईफाई का रेंज ज्यादा नहीं होता, हो सकता है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर, उतना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने ऑन कर दिया और 10 किलोमीटर दूर तक उसी वाईफाई को आप यूज कर रहे हो। तो इंटरनेट का बेसिकली क्या है, एक कंपनी है यूके की, उसका नाम है वनवेव। वनवेव क्या किया है, जैसे कि हाल ही में आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, और उसके बाद एलन मस्क ने, जो टेस्ला मोटर के फाउंडर है, उन्होंने क्या किया, कुछ बलून छोड़ा यूक्रेन एरिया में, और उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के लोग इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो बलून के रेडियस, उसके कवरेज एरिया में, उसके कवरेज एरिया में जितने लोग थे वो ये इंटरनेट यूज कर पाएंगे और जो है एक बाकी लोगों से जुड़ पाएंगे। तो वनवेव एक ऐसा कंपनी है जो कम से कम अर्थ के ऊपर करीब करीब कह सकते हैं 600 के आसपास क्या है, ऐसे छोटे 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 सैटेलाइट छोड़ेंगे, और उनके सभी के रेंज में क्या है, उस एरिया में इंटरनेट चलने वाला है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा में छोड़ा जाएगा। तो उन सभी बातों को कवर करते हैं, आपको मैं यहां पे थोड़ा केयरफुल स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। भारत का सबसे सबसे पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, आपको अगर पूछा जाए तो उसका नाम है GSLV Mark III। ये वही रॉकेट है या वही लॉन्चर है जिससे चंद्रयान 3 भी छोड़ा गया था और जिसे आने वाले समय में गगनयान भी छोड़ा जाएगा, ठीक है। जो अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से 2024 में इसे गगनयान को छोड़ा जाना है। तो ये GSLV भारत का सबसे पावरफुल लॉन्चर है जिसमें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसका डिस्कवरी किन्होंने किया था, डॉक्टर नंबी नारायण सर ने किया था, जो ये रॉकेटरी मूवी में इसके बारे में बेसिक बातें बताई गई है। डॉक्टर नंबी नारायण भी बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर कलाम के समकालीन थे, और भारत में इसरो के जितने मिशन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान जो है, तो वो बड़े बड़े मिशन की बात कर रहा हूं, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन किसी भी इंजन के पावर या थ्रस्ट को बहुत ही बड़े लेवल पर बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये GSLV सबसे पावरफुल जो है लॉन्चर है, इसी को ही रीनेम कर दिया गया है LVM3। तो LVM3 कुछ नहीं है, GSLV Mark III का नया नाम है, ठीक है। अब राम श्याम बन गया कह सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप नाम बस बदल दिए हो, मतलब GSLV Mark III है उसको LVM3 कर दिए हो, लेकिन दोनों एक ही है, ठीक है, क्योंकि राम और श्याम दोनों भगवान है। इस प्रकार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। खैर, अब यहां पे देखते क्या है, इसरो ने उपग्रह संचार कंपनी वनवेव के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक जो है स्थापित कर दिया है। यहां पे याद रखना, वनवेव जो है कंपनी जो है एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसमें कि हम 36 सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, इसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर इस प्रकार देख रहे हैं, ये अगर पोलर ऑर्बिट है यहाँ पे, है ना, पोलर ऑर्बिट में यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद अलग अलग ऑर्बिट पे इस प्रकार जो है छोड़ा गया है, क्या है ये सब, क्या है आपके आपके क्या है, छोटे छोटे सैटेलाइट है, और सबको क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया है, ठीक है। और इसे छोड़ने वाला जो कंपनी है, इसरो की दो कमर्शियल यूनिट है, एक का नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और दूसरे का नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी, और ये NSIL का LVM के साथ फर्स्ट डील है। मतलब LVM से लॉन्च करना है, वो इसरो का लॉन्चर है, इसरो की व्यवसायिक इकाई क्या है, NSIL, दोनों के गठजोड़ से विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च किए करने का ये प्रथम मिशन है। NSIL का फर्स्ट मिशन एक्चुअल में अमेजोनिया था, लेकिन LVM के साथ क्या है, ये फर्स्ट मिशन है, और जिसमें कि हम यूके के यूनाइटेड किंगडम के 36 सैटेलाइट को हम छोड़ेंगे, और ऐसा करके हम कहेंगे, एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब करीब 600 आसपास क्या है आपके पूरे सैटेलाइट को छोड़ना है, 648 है शायद, जिसमें कि हमको देखना है कि अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पे सब जगह यहाँ पे रखेंगे, और उसका क्या है कवरेज एरिया होगा, और उतने में क्या है आने वाले समय में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है, बहुत ही हैवी पैलोड को वहां पे लॉन्च की थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जब हम 104 सैटेलाइट को छोड़े थे, 104 सैटेलाइट को छोड़े थे, इस समय क्या है हमारे पास जो डील हुआ था, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा,
कि दो हमारे कमर्शियल यूनिट है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये 104 सैटेलाइट आप बिगेस्ट डील नहीं था, उससे भी बड़ा डील कौन सा है आपका, ये 36 सैटेलाइट का है, क्योंकि आने वाले समय में वन वेव के कुछ और सैटेलाइट को भी हम छोड़ेंगे तो उनके नंबर्स 104 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको बिगेस्ट डील कहा जा रहा है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। और 104 सैटेलाइट भी क्या है आपका, NSIL का ही था। ठीक है, माई मिस्टेक, NSIL तो 2019 में बना, वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का था। ठीक है, प्लीज करेक्ट इट। ठीक है, 2017 में हमने जो 104 सैटेलाइट को छोड़ा था उसको, वो किसका डील था, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का था, और NSIL तो 2019 में बना। ठीक, नाउ करेक्ट इट। चलिए अब यहां पे देखिए, आपको एग्जाम में जो पूछा गया पास्ट ईयर के पेपर्स में, इसे देखिए कि जो SLV हमारा फर्स्ट जनरेशन लॉन्चर का नाम क्या है, SLV, सेकेंड जनरेशन ASLV, थर्ड जनरेशन PSLV, उसके बाद GSLV। ये इसे मैं आपको बता दूं कि किस किस ईयर में आया था। यहां पे ये 1979 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका फर्स्ट लॉन्चिंग 1980 में हुआ था। ASLV कब आया, 1992 में आया था। PSLV कब आया, 1994 में आया था। ठीक है, ये लॉन्चर है भाई, मतलब अलग अलग ऑर्बिट पे लॉन्च करना है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहेंगे। ठीक, उसके बाद GSLV जो आया वो 2001 में आया। अभी तक भारत के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। GSLV मार्क 3 आया 2014 में, हमने सक्सेसफुली टेस्टिंग किया, और एक्चुअल में 2017 में फर्स्ट जो है हमारा विकासात्मक उड़ान है, फर्स्ट डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ GSLV मार्क 3 2017, बट फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल जर्नी, प्रयोगात्मक जो हमारा जो डेमोस्ट्रेशन था, तकनीकी रूप से जो प्रदर्शन था, वो 2014 में हमने किया था। और यहाँ पे इसमें हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। भारत ने 2009 में इसे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन किया और 2014 में इसमें यूज किया। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है, बहुत ज्यादा पावर जनरेट होता है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो आपको ये बातें क्लियर रहनी चाहिए कि हमारे पास इसमें क्या होता है, ये सब में क्या होता है। टिप में तो क्या है आपका, सैटेलाइट है, लेकिन ये सब देखते क्या है, ये सब क्या है आपके, फ्यूल है या प्रोपेलेंट है, प्रणोदक है। प्रोपेलेंट समझते हैं, प्रोपेलेंट इक्वल टू फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रणोदक बराबर ईंधन प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे क्रायोजेनिक में क्या क्या यूज होता है, क्रायोजेनिक में क्या क्या यूज होता है, तो यहाँ पे भी नोट कर लीजिए भाई, ये काम की चीज है। क्रायोजेनिक इंजन को CE नाम से जाना जाता है, CE नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली ये जो CE देख रहे हैं ना, इसमें आई थिंक विजिबल है, चलो हाइड्रोजन जो है -253 डिग्री सेल्सियस पे इसे लिक्विफाई करते हैं, और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई करते हैं। तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये हाइड्रोजन यूज्ड एज ए फ्यूल, और ऑक्सीजन यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, याद रखना, वो जलने में सहायक है। अगर ऐसा होता तो 21% तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, हम क्यों LPG सिलेंडर में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन फिल कराते हैं, हम ऑक्सीजन को नहीं चला रहे होते। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, वो खुद नहीं जलती है, याद रखिएगा, है ना। कभी कभार कोई बुक में लिखा होगा तो गलत लिखा होगा, मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं है, इट हेल्प्स फॉर फ्लेमेशन या फ्लेमेबल, ठीक है, जलने में सहायक है। ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन यहाँ पे ईंधन है। बिन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जल ही नहीं सकती, तो क्रायोजेनिक इंजन में इसे लिक्विफाई किया जाता है। ठीक, बात ध्यान रखना है। कुछ बातें LVM3 GSLV मार्क 3 के बारे में आपको यहाँ पे नोट करनी है। जो पहले आप देखते हैं कि GSLV मार्क 3 क्या करता है, 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लेकर जा सकता है, GTO में लेकर जा सकता है, अभी GTO क्या मैं बता दूंगा, और 8000 किलोग्राम को LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी की सतह से जैसे ही क्या है 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो K-लाइन चालू होती है, K-लाइन के ऊपर क्या है, स्पेस चालू होती है। तो 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तो को हम LEO कहते हैं, कुछ किताबों में 1000 लिखा होता है, लेकिन आप 2000 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हाइट में हम अगर छोड़ेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट है, 2000 से लेकर 35786 होगा तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और 36000 या उसके ऊपर होगा वो, 36000 किलोमीटर की जो फिक्स हाइट होगी वो है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, आगे मैं बता देता हूं। ठीक,
तो इसका जो है पेलोड कैपेसिटी अगर 8000 किलोग्राम का पेलोड होगा, पेलोड मतलब किसी भी उपग्रह के जो जितने भी एसेसरी होते हैं, जितने भी चीजें लगी होती हैं, जिसमें सेंसर लगा, कैमरे लगे, जो भी एडिशनल इक्विपमेंट लगा, सबको एक नाम दे दिया गया पेलोड। तो ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि मुझे आपको थोड़ा यहाँ पे स्टैटिक एंगल बताना पड़ेगा, स्टैटिक एंगल बताना पड़ेगा, जहां पे ये देख लेते हैं इस इमेज को। इस इमेज में देखिए आपको मैं थोड़ा ऑर्बिट समझा देता हूं। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, लो अर्थ ऑर्बिट कह दिया जाए, मतलब मैंने कहा 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट पर। अगर 2000 नहीं दिया होगा, 200 से 1000 दिया होगा, तो उसे आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सोर्सेज में मैंने बताया डिफरेंस दिखता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, एक ऐसा जो है लाइक ऑर्बिट जो पोल्स के ऊपर से गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे, पोलर ऑर्बिट कहेंगे। ऑर्बिट मतलब किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो है वो क्षेत्र जिसमें कि वो चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग होता है। तो एलईओ क्या है, मतलब यहाँ पे है ना 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इस इमेज में देखिए, परफेक्ट दिया हुआ, ये आपका पोलर ऑर्बिट है। और एक होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, देखिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इसे कहते हैं कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए कम से कम कितनी, 36,000 किलोमीटर की हाइट होनी चाहिए। और अगर ये इक्वेटर के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आनत कोण बनाता है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाता है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, जीएसओ कहते हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि कोई भी आनत कोण नहीं बनाता, जीरो एंगल बनाता है, उसे कहते हैं जीईओ, जियोसिंक्रोनस इक्विटोरियल ऑर्बिट। ये बात ध्यान रखना, इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, भूस्थैतिक कह देते हैं, भूस्थैतिक। आपको पीएससी में पूछा है ना, 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर कौन से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह छोड़े जाते हैं, या जियो स्टेशनरी क्या सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं रिपीट कर दूं कि अगर 200 से 2000 किलोमीटर हो तो एलईओ हो सकता है 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर में भी छोड़ा जा सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एलईओ में है। हम भारत का जो प्रथम मैन मिशन टू द स्पेस होगा, प्रथम मानव मिशन होगा, वो भी कहां होगा, आपके स्पेस में होगा, आपके जो है जीओ में होगा, यानी कि 500-700 किलोमीटर की हाइट पे हम छोड़ देंगे उसे। और हमारा जो आने वाला समय 2032 से लेके 35 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जहां पे महीनों, सप्ताह, कई दिन बिता सकेंगे एस्ट्रोनॉट, वो 2032 से लेकर 2035 तक हम स्थापित करेंगे। ठीक है, वो भी सब एलईओ में होगा। जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो भी एलईओ में छोड़े जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जो संचार उपग्रह होते हैं, वो हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। ठीक है, जीएसओ या जीईओ में छोड़े जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें दी हुई है। आई थिंक मैं सेकेंड बार कवर कर रहा हूँ, इससे पहले भी हम एक बार कवर किए थे, उस समय ज्यादा डिटेल कवर किए थे। ठीक है, आप पास में जाके देख भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ LVM3 है विद जो है NSIL। ठीक है, ये बाकी चीजें आप एक बार देख लेना, है ना, बाकी आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, 6 टन के पेलोड वगैरह को लेकर गए थे। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं आज का लास्ट कंटेंट, गरुड़ 7। गरुड़ 7 क्या है, गरुड़ 7 क्या है, यहाँ पे देखिए कि गरुड़ 7 एक द्विपक्षीय बायोलेटरल जो है एक्सरसाइज है, जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच है ना फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल, ठीक है, FASF के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एयर एंड स्पेस फोर्स, फ्रांसीसी फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स कहां पे हो रहा था, जोधपुर में हो रहा था। ठीक, भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, तो पहली दूसरी और तीसरी बार कहां कहां हुई थी, तो यहां पे आपको वो सब चीजें आपको देख लेना है। और सीधा सीधा देखते हैं यहां पे, 2003 में पहली बार, 2006 में दूसरी बार, 2014 में तीसरी बार, अब ये 2022 में चौथी बार हो रहा, तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं गरुड़ 7 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है, जो 2 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। ठीक है, इसकी मेजबानी जो है भारत चौथी बार कर रहा है, लेकिन ओवरऑल 7 टाइम्स हो चुका है। ठीक, जिसमें कुछ फ्रांस में भी हुआ होगा ऑब्वियसली। इसमें भारत से क्या क्या है, राफेल लड़ाकू विमान,
A30 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT, और उसके बाद देखते हैं हमारे कुछ जो है ऐसे लाइक एयरफोर्स की कुक जो है वो एयरफोर्स के जवान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें एक बात बस ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है Sukhoi 30 रफेल भी क्या फ्रेंड से हम किए था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जैगुआर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम अभी का क्या नाम है, नया नाम है प्रचंड, इसे हमने क्या किया, और MI-17 हेलीकॉप्टर इसमें क्या है मतलब हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, याद रखना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या हेलीकॉप्टर क्या है, प्रचंड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सरसाइज होता है ये और भी दूसरे टाइप के एक्सरसाइज भी हुए हैं, तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास और भी दूसरे टाइप के एक्सरसाइज है, वरुण वरुण जल की देवता कहते हैं ना, तो वरुण जो है नौसेना अभ्यास था बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच, इंडिया और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट नाइट जो है वायु अभ्यास था, एयरफोर्स का था, और शक्ति जो है एक सैन्य अभ्यास था। ये तीनों अभ्यास भी क्या है अब जो है, अब देखते हैं इसमें कभी बार पूछा जाएगा एयरफोर्स के अलावा जल अभ्यास क्या है, वायु अभ्यास क्या है, सैन्य अभ्यास क्या है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।